हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम जानेंगे रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन या क्वेश्चन हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। ओके, तो हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम में या तो रेखीय आवर्धन से रिलेटेड आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल आते हैं या तो रेखीय आवर्धन पूछा जाता है आपसे। यदि आपका रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्नीफिकेशन का टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आपको इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर क्लियर करें। जहां अधिकांश स्टूडेंटों को इस टॉपिक में डाउट भी रहता है, ओके, तो मैं वो भी डाउट को बताऊँगा। और डेरिवेशन जब बताऊंगा तो डेरिवेशन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन और हिंट बताऊंगा। यदि आप किसी भी डेरिवेशन को करें तो आगे हिंट बना लें। यदि आप हिंट बना लेंगे तो आपका डेरिवेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आगे हम चलते हैं, आपको मुलाकात कराएंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता क्या है और आपको ये क्वेश्चन कैसे मिलता है वो भी बताएंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। ओके, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, ओके। जबकि दोनों लंबाइयां मुख अक्ष के लंबवत नापी गई हो। इस प्रकार से वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। जबकि दोनों लंबाइयां मुख अक्ष के लंबवत मापी गई हो, मतलब ये जैसे दर्पण है कोई, ओके, हमने अवतल दर्पण लिया, ये मुख अक्ष है, वस्तु रखी है ऐसे, तो मुख अक्ष की लंबवत रखी हो वस्तु, ओके, और प्रतिबिंब भी लंबवत, ओके, ऐसे इधर भी बन सकता है ऐसे, ओके, जी है। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर I/O, ओके। I है, I का सिंबल होता है इमेज, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई, ओके। यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u है तो m इक्वल होता है माइनस v अपॉन u, ओके। तो आप फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? m इक्वल आई अपॉन में ओ इक्वल माइनस वी अपॉन में यू, ओके। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल आई अपॉन ओ इक्वल माइनस वी अपॉन यू। आई प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ वस्तु की लंबाई है, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यू दर्पण से वस्तु की दूरी। तो हम इस लेक्चर में इस डेरिवेशन का निगमन करेंगे अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका निगमन स्टेप बाय स्टेप, ओके। आवर्धन के सूत्र का निगमन, डेरिवेशन, ओके, किसके लिए कर रहे हैं? अवतल के लिए। आप हम अवतल दर्पण के लिए बताएंगे, आप सिमिलरली उसी प्रकार से उत्तल के लिए भी कर सकते हैं, ओके। अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले आप डेरिवेशन करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, फिगर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, चित्र बनाएंगे।
इसके बाद आप फिगर में आपको जो त्रिभुज दिखेंगे आप उनको सिमिलर ट्रायंगल सिद्ध करेंगे, समरूप त्रिभुज। ओके, समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के बाद आप कॉन्गेंसी की कंडीशन लगाएंगे, समरूपता की। क्या होता है, लंब लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, जिसकी कंडीशन होती है। आप इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करने के बाद उसे साइन प्रैक्टिस के अनुसार, चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार उसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेरिवेशन हो जाएगा एम इक्वल आई अपॉन ओ इक्वल माइनस का वी अपॉन में यू। ओके, इस प्रकार से। तो अब हम आएंगे आपको फिगर, अधिकांश स्टूडेंट फिगर बनाने में बहुत मिस्टेक कर जाता है, तो आप इसको देखेंगे। सबसे पहले आप जाना लेंगे, आप बनाएंगे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ओके, अवतल दर्पण का जो भीतरी तल होता है परावर्तक तल होता है, और जो बाहरी तल होता है उस पर चांदी की कलई करके किसकी रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। ओके, इस प्रकार से जी हमारा कौन सा है, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। एम वन और एम टू। ओके, और इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु पी ध्रुव है। दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। जी हमारे क्या है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस मुख्य अक्ष पर वस्तु रखी है कहीं। ओके, हमने वस्तु रख दी, ए भी वस्तु है। वस्तु की सिरे ए से, ये वस्तु का सिरा ए है, सिरे ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। वस्तु की सिरे ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ओके, एम पॉइंट एम दे दिया, प्रकाश किरण ए एम दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी प्रकाश की किरण ए एन, दूसरी प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। क्यों लौट आती है, अधिकांश स्टूडेंटों को जो मालूम नहीं होता क्यों, क्योंकि जो दूसरी प्रकाश किरण होती है जो वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, जब वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो जो दर्पण पर लंबवत पड़ती है, कैसी पड़ती है, लंबवत, परपेंडिकुलर। जब कोई चीज़ परपेंडिकुलर किसी माध्यम में आपतित होती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ओके, जो तीसरी प्रकाश की, ये हमने इसे पॉइंट एन दे दिया। ओके, तो तीसरी प्रकाश किरण होती है वो दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु ध्रुव होता है। ओके, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु से परावर्तित होकर प्रतिबिंब के सिरे ए से होकर गुजरती है। ओके, जो प्रतिबिंब है इस बी डैश ए डैश। ओके, एक बार हम पुनः रिपीट की रहे हैं, आप जरूर, वस्तु सबसे पहले दर्पण बनाएंगे, फिर मुख्य अक्ष इस पर हम वस्तु रखेंगे, तो वस्तु की सिरे ए से गुजरने वाली ए एम प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण जो ए एन है वो दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। जो तीसरी प्रकाश किरण ए पी है वो दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु है इससे परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में। अब ये हमारा ये क्या परावर्तन का नियम लागू होगा। ओके, क्योंकि इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु पर इसका परावर्तन होगा उसी और उसी माध्यम में उतने ही कोण पर वापस लौट आती है। ये अविलंब है, क्या है, अविलंब, बी पी बिंदु पी पर क्या है, अविलंब, जैसे इस प्रकार से। वही प्रकाश किरण आई मान लो 45 अंश के कोण पर, दर्पण से परावर्तन होगा 45 अंश के कोण पर ही परावर्तित हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन का क्या है, ला, प्रकाश के परावर्तन का नियम है, आपतित किरण और परावर्तन और परावर्तित किरण अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे होता है, एकल होता है। तो जे कोण कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है। तो अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी पी, त्रिभुज ए बी
पी हुआ, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। जो हमारा सेकंड पॉइंट था उसमें क्या करना था आपको, दो त्रिभुज होंगे उनके समरूप सिद्ध करना है। इन त्रिभुजों को क्यों ले रहे हैं वो भी आप देख लें, क्योंकि इस दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी हो जाएगी और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, तो एक जे त्रिभुज बन जाएगा, एक जे बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ओके, इसमें जे दोनों त्रिभुज में जे देखो कि जे कोण भी 90 एंगल है और कोण बी डैश भी 90 एंगल है, तो क्या कोण ए बी पी इक्वल कोण ए डैश बी डैश पी, तो ये क्या है 90 एंगल, राइट एंगल समकोण। और जे जे देख कोण कैसे इक्वल, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, परावर्तन का जो नियम होता है रिफ्लेक्शन लॉ। ओके, क्या ए पी बी इक्वल कोण ए डैश पी बी डैश। ओके, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण परावर्तन के नियम से। ओके, जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश के, तो क्या हो जाएगा बी ए पी इक्वल बी डैश ए डैश पी। ओके, तीसरा कोण भी बराबर, जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो जी दोनों कोण कैसे समरूप त्रिभुज से दो जाएंगे समान सम। ओके, जब दोनों त्रिभुज समरूप सिमिलर ट्राइंगल सिद्ध हो गए तो उसकी कंडीशन होती है लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, खड़ी बटे खड़ी बराबर परी बटे परी, बड़े त्रिभुज का लंब कितना है ए बी और छोटे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश। ओके, आधार इसका कितना है बी पी, इसका आधार कितना है छोटे त्रिभुज का बी डैश पी। ओके, अब इसमें हमने बताया था कंडीशन लगाने के बाद आप साइन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार आप इसको सॉल्व करेंगे। आप चतुर्थांश सबसे पहले आपको चतुर्थांश के हिसाब से आप करोगे तो आप चिन्ह प्रॉपर्टी कभी भी गलत नहीं कर सकते, आप चतुर्थांश बनाएंगे। ये पॉजिटिव वाई एक्सेस है। ओके, ये वाई डैश नेगेटिव ने नेगेटिव एक्सेस होती है एक्स डैश ये एक्स एक्सेस मतलब पॉजिटिव एक्सेस। ओके, इस प्रकार से जो धनात्मक एक्सेस की दूर में मापी जाती हैं दूरियां वो सब पॉजिटिव होती हैं, ऋणात्मक वाई अक्ष में नेगेटिव और धनात्मक वाई अक्ष में धनात्मक और ऋणात्मक एक्स अक्ष में ऋणात्मक होती हैं। हम किस दर्पण के लिए कर रहे हैं, कनकेव मिरर के लिए अवतल दर्पण के लिए, तो हम अवतल दर्पण इस प्रकार से बना लेंगे इसमें। बस जो ऊपर की ओर होंगे वो कैसी होंगी पॉजिटिव होंगी। ओके, तो पॉजिटिव, जो नीचे की ओर होंगी वो नेगेटिव होंगी, ऋणात्मक अक्ष की दिशा में होंगी वो नेगेटिव, जो धनात्मक अक्ष की दिशा में होगी पॉजिटिव। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं ए बी, ए बी, तो ए बी किस दिशा में है धनात्मक वाई की दिशा में। ओके, ये क्या है ए बी वस्तु की लंबाई है, क्या है ए बी वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई का सिंबल ओ होता है और धनात्मक वाई एक्स की दिशा में है तो पॉजिटिव होगा। ओके, फिर आता है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक, ऋणात्मक किसकी दिशा में है वाई एक्स की दिशा में ए डैश बी डैश। ओके, तो क्या होगा प्रतिबिंब की लंबाई का सिंबल आई होता तो माइनस आई। ओके, फिर आता है बी पी, तो आप बी पी को देखेंगे बी पी, जे बी जे पी है जे बी पी, इस प्रकार से ये बी पी ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है तो माइनस, वस्तु की दूरी है तो माइनस का यू। ओके, फिर हमें क्या निकालना है बी डैश पी। ओके, तो बी डैश पी इतनी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से प्रतिबिंब की प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी वी कहलाती है, ऋणात्मक वाई एक्स ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में मापी गई है तो नेगेटिव होगा भी। आप वैल्यू पुट कर दें, इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे। एक बार रिपीट, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव वाई एक्स की दिशा में तो पॉजिटिव होगी, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक वाई एक्स की दिशा में है तो नेगेटिव होगी, वस्तु की दूरी ऋणात्मक एक्स की दिशा में तो माइनस की होगी, और
प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, इसलिए नेगेटिव होगी। आप वैल्यू पुट कर दें ओके, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए बी ओ अपॉन माइनस आई और माइनस का बी पी यू माइनस का बी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, ओ अपॉन में आई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वी सॉरी यू अपॉन में बी ओके। तो एम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ओ अपॉन आई इक्वल माइनस का यू अपॉन में बी, इसको हम पलट देंगे तो कितना आ जाएगा उल्टा करने पर आई अपॉन में ओ इक्वल माइनस का बी अपॉन में यू। यही हमें डेरिवेशन करना था। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, आवर्धन ओके, लिनियर मैग्नीफिकेशन। तो एम इक्वल आई अपॉन में ओ इक्वल माइनस का वी अपॉन में यू ओके। इस प्रकार से ये होता है इसका रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। इस प्रकार जी हमने किया था अवतल दर्पण के लिए ओके। आप उत्तल दर्पण के लिए भी इसी प्रकार से सिमिलरली कर सकते हैं ओके। तो आपको जो होमवर्क हम दे रहे हैं ये हमने अवतल के लिए किया, आप उत्तल के लिए भी करेंगे। उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र एम बराबर एम इक्वल आई अपॉन में ओ इक्वल माइनस का वी अपॉन में यू ओके मान होगा। आप सिमिलरली इसी तरह से अवतल उत्तल दर्पण के लिए भी इसका निगमन कर सकते हैं। शुरुआत में मैं एक टिप्स आपको बताने से भूल गया, आप इसका डेरिवेशन करेंगे। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ओके। आप इसी से भी निकाल सकते हैं जो सीधे प्रतिबिंबों के लिए एम का मान पॉजिटिव होता है और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए एम का मान नेगेटिव होता है ओके। ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं सीधे बता दिया। सीधे प्रतिबिंबों के लिए एम का मान पॉजिटिव और उल्टे के लिए नेगेटिव होता है, कैसे वो भी आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। हमने कहा सीधा प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब जे बन रहा है ओके, वस्तु इधर रखी है सीधा प्रतिबिंब जे बनेगा, तो आप इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी का रूल लगा देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा एम का मान। उल्टे के लिए आप चिन्ह प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इस प्रकार से आप उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आप किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है या आप वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें। धन्यवाद।